तो हे गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो देखते हैं ऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होता है। तो ऑर्डर लिस्ट जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक और अल्फा, जिसको हम ओएल से शुरू करते हैं। ओएल मतलब ऑर्डर, और उसके अंदर हम टैग लिखते हैं जो कि लिस्ट टैग एल है, जिसको हम बोलते हैं। और लिस्ट टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र में शो होगा, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। और अगर हम इसमें टाइप डाल के, एट्रीब्यूट डाल के उसको चेंजेस करें थोड़े बहुत अल्फ़ाबेट में हमको चाहिए तो ए बी सी डी ऐसे, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। और 1 2 3 4 तो इसमें भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या, बस इतना ध्यान में रखो कि ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, और ओएल के अंदर जो भी लिखेंगे वो लिस्ट टैग है, और लिस्ट टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो कंटेंट रहता है। इतना फॉर्मेट ध्यान में रखो। तो उसके बाद हमारा आता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली वही है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। उसमें न्यूमेरिक फॉर्म में 1 2 3 4 ऐसी काउंटिंग होती थी, इसमें बुलेट्स काउंटिंग होती है। मतलब जो कि हम बचपन में करते थे, मतलब स्कूल में करते थे, जो मेन पॉइंट है तो उसमें हम स्टार करते थे, तो वैसे ही इसमें होता है। इसमें हम स्क्वायर, राउंडेड, ऐसा कुछ हम सर्कल, ऐसे हम टाइप रहते हैं इसमें। तो वो टाइप यूज़ करने के बाद उसमें ऐसा फॉर्मेट आता है लिस्ट टैग को। उसमें ओएल था तो इसमें यूएल है। ओएल का मतलब था ऑर्डर लिस्ट, यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली वही है, ओपन करो उसके अंदर एलआई लिखो, एलआई मतलब लिस्ट टैग है। तो लिस्ट टैग में जो भी लिखेंगे वो उस फॉर्मेट में हमें ब्राउज़र में शो होगा। अभी कौन सा फॉर्मेट है, अभी इसमें नन मतलब डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट बुलेट्स का फॉर्मेट रहेगा। अगर ये एग्जांपल अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो हियर ओएल डालेंगे पहले, मतलब ऑर्डर लिस्ट का, फिर एंटर करेंगे। ओएल टैग खुल चुका है, उसके बाद हम लिस्ट टैग लिखेंगे, उसके बाद हमारा लिस्ट टैग आता है। तो लिस्ट टैग के अंदर हम लोग हमारा कंटेंट डालेंगे, जो कि अभी लिखता हूँ मैं फर्स्ट सेकेंड ऐसा लिखता हूँ, अभी स्पेलिंग लिख रहा हूँ। फिर लिस्ट टैग, फिर इसमें उसके अंदर सेकेंड। ध्यान रखना वो ओएल के जब ओएल टैग जब बंद हो रहा है उसके बाद लिस्ट टैग मत लिखना। वो ओएल ऑर्डर लिस्ट जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसके अंदर लिखना है आपको लिस्ट टैग, उसके ना ऊपर ना नीचे। और फिर से बता देता हूँ, एल आई मतलब है लिस्ट टैग, लिस्ट आइटम या फिर लिस्ट टैग उसको बोल सकते हो। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको किस फॉर्मेट में आ चुका है। तो आप देख सकते हो मैंने बोला था ऑर्डर लिस्ट डिफ़ॉल्ट में रहता है न्यूमेरिक फॉर्म में, तो न्यूमेरिक फॉर्म में आ चुका है गाइस। तो इसके अंदर हम मैंने बताया था एट्रीब्यूट डाल के हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। यूज टाइप्स जो कि एक एट्रीब्यूट है हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ओएल के बाद हम टाइप्स डालेंगे, और टाइप के अंदर हमको ऑप्शन आ चुके हैं आई ए ए आई ऐसा करके। तो इसके अंदर हम ए डालेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हो ए बी ऐसा आ गया। अगर मैं लिस्ट टैग और बढ़ाऊँ, एल आई उसके अंदर जो लिखा है मैंने लिस्ट है उसको और बढ़ाऊँगा तो इसके अंदर ए बी सी डी ऐसे काउंटिंग होते जाएंगे इनिशियल के। तो उसके बाद आता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली ऑर्डर लिस्ट के जैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, उसमें ओएल था, इसमें यूएल है। तो इसके अंदर भी लिस्ट टैग रहेगा, और एक फ़र्क है, उसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल फॉर्म रहते हैं, इसमें ओनली बुलेट्स रहते हैं। बुलेट्स मतलब गन के नहीं, लेकिन अलग बुलेट्स से वो आपको दिखेंगे अभी कैसे रहते हैं। तो इसको मैंने ओपन किया, आप देख सकते हो ये बुलेट्स किस प्रकार से रहते हैं। जूम कर दिया मैंने, तो इसके अंदर टाइप्स भी रहते हैं। मैंने बताया था टाइप्स रहते हैं, सर्कल वगैरह, स्क्वायर वगैरह टाइप्स रहते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं रहते, 2-3 ही रहते हैं, आप याद रखो या ना रखो, लेकिन डिफ़ॉल्ट में काम आते हैं ये डिफ़ॉल्ट के टाइप से। मैं सर एक एग्जांपल लेता हूँ टाइप्स का। इसके अंदर एक टाइप डालेंगे TYPE, तो उसके अंदर मैं अभी डाल देता हूँ सर्कल।
तो इसको ओपन करूंगा ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हो सर्वर किस प्रकार से आ चुका है, अंदर से वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। तो उसके अंदर मैं टाइप के अंदर भी और कुछ डालता हूँ, स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इस तरह स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है गाइस। तो बेसिकली ये ध्यान में रखो कि एट्रीब्यूट यूज़ करने से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती रहती है, लेकिन टैग का इस्तेमाल करना आपके हाथों में। आप टैग का सही इस्तेमाल करें, उसको ऊपर नीचे मत करें, जिस उसकी जगह वहीं पर है वहीं पर करें, लेकिन अंदर का कंटेंट आप चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने फर्स्ट सेकेंड से नाम लिखा है वो चेंज कर सकते हो, नहीं तो कुछ लोग वो भी बोलेंगे भाई वो भी चेंज करने हैं कि नहीं। तो चलिए इतना ही वीडियो, मिलते हैं अगले एक वीडियो में।